वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञान वर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में। आज दिनांक 13 जुलाई 2021 दिन मंगलवार। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान हनुमान जी का कृपा सदैव बना रहे। आज जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जितने भी हमारे YouTube चैनल पे व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान हनुमान का कृपा सदैव बना रहे। आज आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होगी, सुबह 8:22 तक। आज गुप्त नवरात्रि तीसरे दिन का पूजन किया जाएगा। गुप्त नवरात्रि के व्रत में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि व्रत में तीसरे दिन माता त्रिपुर सुंदरी का पूजन किया जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी का नाम ललिता सुंदरी और माँ षोडशी भी है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ माता त्रिपुर सुंदरी का पूजन करते हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को विशेष करके अनार का भोग लगाए, इससे लाभ की प्राप्ति होगी। आज के दिन विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। जो भी जातक विनायक चतुर्थी के व्रत में पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, भगवान गणेश की कृपा से सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सूर्योदय सुबह 5:07 और सूर्यास्त शाम 6:43। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे सुबह 7:53 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे रात्रि 9:22 पे। सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे और चंद्रमा सिंह राशि में। यह ग्रीष्म ऋतु है, अयन उत्तरायण रहेगा। योग सिद्धि योग दोपहर 2:48 तक। करण गरकरण सुबह 8:22 तक, उसके बाद विष्टिकरण। नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र रात्रि 3:41 तक। दिशाशूल की बात करें तो आज मंगलवार दिन होने के कारण आज के दिन उत्तर पश्चिम और वायव्य दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से गुड़ खाकर बाहर निकले, इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करें तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। हनुमान जी का पूजन के लिए आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लाल रंग का चोला चढ़ाएं, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला भगवान हनुमान को अर्पित करें, भगवान हनुमान को लाल पुष्प चढ़ाएं, उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, भगवान हनुमान को नैवेद्य अर्पित करें, उन्हें लड्डू का भोग लगाएं, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। इसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल भगवान हनुमान को अर्पित करें, उसके बाद हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी छात्र हनुमान जी का पूजन करते हैं उन्हें बुद्धि विद्या और बल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त के बारे में। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:28 से दोपहर 12:22 तक। गुली कालम समय होगा सुबह 11:55 से दोपहर 1:37 तक। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा दोपहर 3:19 से शाम 5:01 तक। यह विक्रम संवत 2078 आनंद है और शक संवत 1943 प्लव
तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।